वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल, माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ अप्रेंटिसशिप की। देखो भाई, ये जो डिपार्टमेंट है ये है NHPC। अभी तक मैंने दो ही स्टेट में, एक हरियाणा में और एक हिमाचल प्रदेश में, देखा है कि NHPC की जो अप्रेंटिसशिप है सबसे ज़्यादा निकलती है, क्योंकि इन स्टेट्स में जो है इस चीज़ के ऑफिसेस बने हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ IT वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पहले ही बता दूं, ये जो अप्रेंटिसशिप है ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, अदर स्टेट के बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टेट वाइज वैकेंसी आएगी अप्रेंटिसशिप की, तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। और भाई देखो, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, तो SCVT वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। ये जो अप्रेंटिसशिप है ये सिर्फ NCVT वाले बच्चों के लिए। एक चीज़ कन्फर्म करनी थी इसी के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ मैंने कन्फर्म की है, तो पता चला कि SCVT इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ ये स्टेट की वैकेंसी है, बट फिर भी जो है इन्होंने इस तरीके का क्राइटेरिया रखा हुआ है। यहाँ पर जो ITI की ट्रेड्स है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन है, आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल है जिसे MMV बोला जाता है, फिटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है और आपकी कोपा है। 10th+ ITI इन्होंने मांगा है, और जो कोपा वाली ट्रेड है स्पेशली इन्होंने जो है यहाँ पर 12th+ ITI मांगा है, क्योंकि यार देखो कोपा की जो ट्रेड है ना, होता है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा आपसे मांगी जाए, इसलिए अगर आप कोपा की ट्रेड करते हैं तो साथ में कुछ कंप्यूटर के भी कोर्सेज कर लो, एक्सेल कर दो, एक्सेल के बाद जो है आप VBA मैक्रो सीख लो एक्सेल के अंदर ही, तो SQL सीख लो, पाइथन सीख लो, ये सारी चीज़ें जो है आपको काम आती है। तो कोपा मैं बताऊंगा आपको किस ट्रेड के बाद आपको क्या करना चाहिए, उससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। इसकी वीडियो की सीरीज़ मैं थोड़े समय बाद लेकर आऊँगा। इस वाले पार्ट में 18 से 30 साल का क्राइटेरिया सेम, दोनों में 18 से 30 साल का एज का क्राइटेरिया, 1 साल का आपका टेन्योर रहेगा, 30 वैकेंसी है टोटल। तो हिमाचल प्रदेश के हैं आप तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म इसका ऑफलाइन होगा। देखो भाई, दो तरीके हैं, या तो आप स्पीड पोस्ट से भेज दो, या फिर आप जो डायरेक्टली अगर आप आसपास रहते हैं तो गिवन एड्रेस पे जाके जो है वहाँ पे उनको दे दो, वो भी आपका काम चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, और मेरिट के बाद जो यहाँ पर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने क्लियर कर दी है। प्रोसेस ये है, जो आपकी प्रोफाइल निकलेगी उसी को अटैच करके विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आपको भेजना है इस एड्रेस पे। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप जो है डायरेक्टली जाके सबमिट कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप पोर्टल में इस्टेब्लिशमेंट सर्च में इसका फॉर्म नहीं होगा या होगा, इसका कन्फर्मेशन मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फॉर्म वहाँ पर फिल होगा तभी वहाँ से जो है एक प्रिंटआउट निकलेगा। बाकी आप जो प्रोफाइल निकाल लो, मैं 2 या 3 दिन लूँगा, उसके बाद आपको कन्फर्म कर लूँगा। यहाँ पर 15/9/2019 का क्राइटेरिया दिया हुआ है, लास्ट डेट यही है फॉर्म को फिल करने की। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट सर्च में जाके फॉर्म को फिल करना है। NHPC आप डाल के देख लेना, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप डायरेक्टली जो है प्रोफाइल निकाल के विद रिलीवेंट डॉक्यूमेंट भेज देना। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, रिटर्न है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म में आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं निकालना है, प्रिंटआउट निकालना प्रोफाइल का, या आप इस्टेब्लिशमेंट सर्च में जो फिल करेंगे अगर एप्लीकेबल है उसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो ITI के हों, चाहे वो 10th के हों, फोटोकॉपीज आपको भेजनी है, और सब पे जो है आपको सेल्फ अटैच सिग्नेचर करने है, सबको सेल्फ अटैच करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और चीज़, यहाँ पर जो है आप ओरिजिनल चीज़ मत भेज देना, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ओरिजिनली भेज देते हैं जिससे कि आप लोगों का नुकसान होगा। तो बाकी एक जो है हरियाणा में कैंपस प्लेसमेंट निकला हुआ है, तो देखता हूँ उसकी अपडेट मैं वेरीफाई कर लूँ, फिर आपके लिए लेकर आता हूँ। बाकी HP के बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो बाकी की अपडेट दे दूंगा। और UP की सेकंड मेरिट लिस्ट आ गई है, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं साइट पे। धन्यवाद, और मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।